यो जिगर के छल लो, फाइनली क्या हाल चाल है। अभी मैं सो के उठ गया हूँ और काफी दिन बाद मेरा ब्लॉग वीडियो आ रहा है, और इसका कुछ रीजन है कि लाइफ में व्यस्तता होने की वजह से ब्लॉग वीडियो काफी लेट आ रहा है। और चैनल पे कोई नए हो सब्सक्राइब कर लो, और आज मैं अपने गांव का दिखाऊंगा कुछ नज़ारे। तो अभी मैं चलता हूँ गांव के बाहर और वहाँ पे दिखाता हूँ आपको कुछ नज़ारे। तो चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए और हम चलते हैं। तो गाइस ये रहा हमारे गांव का तबेला, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ। अभी यहाँ पे मेरे पास कोई जानवर नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है घर पे, सभी लोग बिजी हो गए हैं, तो इसकी वजह से जानवर नहीं रखे गए। जैसा कि देख सकते हैं, एक दो तीन और वो चार, और ये पीछे रहे कुछ बच्चे। बच्चे लोग क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? क्या खेल रहे हो? ये मेरा मिट्टू सा बच्चा घर का, छोटा सा, और वो छोटी सी बच्ची है। तो ये लोग तबेले पे खेल रहे हैं, और यहाँ पे मेरे फार्म हाउस पे अभी कोई भी जानवर नहीं है, छोटा मोटा गाय का बच्चा है ऐसा सुंदर देख सकते हैं। और दो भैंस के बच्चे अभी बच गए हैं फार्म हाउस पे, और बछड़ू भी, और एक हो रहा गाय, और इधर सामने पड़ता है पोखरी, और एक और बच्चा है। तो ये रहा फार्म हाउस। और लड़के लोग क्या कर रहे हो? लड़के लोग इन लोग को हंसी आ रहा है। और मैं उधर चलता हूँ जहाँ पे भूसे वगैरह रहते हैं इस वाले घर में, और एक गाय का बच्चा है ये भी है, और एक और इधर मेरे फार्म हाउस के रूम है जहाँ पे मेरी बाइक रहती है। अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, वैसे यहाँ पे मेरा बाइक रहता है, ये फार्म हाउस है, और यहाँ पे कोई रहता नहीं है, बस जानवर रहते हैं। हम लोग पार्ट टाइम के लिए आ जाते हैं एंजॉय करने के लिए, और ये लोग बच्चे लोग मजा आ रहा है। तो गाइस खेल रहे हैं गाँव के छोटे बच्चे लोग, खेल रहे हैं, मजा आ रहा है भाई लोग। बोलो भारत माता की, भारत माता की। तो अभी हम चलते हैं कहीं और वहाँ का भी ब्लॉग। तो फाइनली गाइस हम घर से निकल चुके हैं और अपने गांव के खेतों में आ चुके हैं, और सामने जैसा कि पुल, और यहां से हम चलेंगे अपने बागीचे में और वहां का कुछ वीडियो दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए और हम चलते हैं अपने बागीचे में। आज का ब्लॉग भाई एकदम शुद्ध और देसी वाला होगा, तो इंजॉय करते रहिए और पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक उठाइए और मज़ा लेते रहिए, और ये सब गाँव का कुछ पोखरा डबरा जो भी समझ लो भाई लोग। तो अभी चलते हैं वहाँ पे बागीचे में और दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग बाइक से जा रहे हैं, और ये मेरा भांजा है छोटा सा जो बाइक को चला रहा है, और अभी प्रेशर है बोले तो अभी नया ड्राइवर है, और मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। मेरे साथ मेरे गांव के कुछ छोटे बच्चे हैं जो पार्ट टाइम में मेरे पास आके घूमते रहते हैं। तो अभी मैं अपने बगीचे में एंट्री कर लिया हूँ, और मेरा ये भांजा है बोले तो बिस्तर का लड़का है जो कि बहुत छोटा है, और बाइक चला रहा है। तो भाई बाइक को भाई अभी हम आ चुके हैं अपने बागीचे के अंदर, और यहाँ से चलेंगे इसके बीचों बीच का दिखाएंगे। तो पहले थोड़ा सा बाइक कैमरे से दिखाता हूँ, फिर उसके बाद दिखाते हैं। तो भाई ये रहा हमारे गांव का बगीचा, और इसमें मेरा भी है बगीचा। तो अभी मैं कुछ अपने पेड़ों से इंट्रो करवाऊंगा और वहाँ का ब्लॉग वीडियो दिखाऊंगा। तो अभी बगीचे के अंदर आ चुके हैं, और ये हमारे गांव के कुछ वहाँ पे जैसे कि जूम करके नहीं आ रहा है, तो हमारे ये गांव के दादाजी लगते हैं, तो इनको भी दिखाएंगे थोड़ा सा। तो आइए ब्लॉग वीडियो पे मज़ा लेते रहिए। तो गाइस ये रहा हमारे गाँव का बगीचा, और उधर मेरा भांजा है, और हमने उधर बाइक वहाँ पर क्या कर दिया है खड़ा। एक्चुअली क्या हो रहा है, अभी दिन पे दिन पेड़ों की कटाई हो जा रही है, बगीचे भी रह नहीं गए हैं। अभी पहले बहुत घना था, अभी आप देख सकते हो पूरी साफ हो चुकी है। तो इस बगीचे में मेरा खुद का भी है, और अभी वही है कि गांव में जो पुराना सिस्टम चलता है बंटवारे वाला, तो वो अभी काम नहीं हुआ है, यहाँ पर बंटवारे वाला काम नहीं हुआ है, बस ऐसे है तो है, जब बढ़ जाएगा तो सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा। एक्चुअली होता है गांव में ये सब होता है, और ये सब देख सकते हैं पेड़ बहुत ज़्यादा कट चुके हैं, कुछ अब बचा नहीं है, जो भी बचा है थोड़ा बहुत है। तो हमने उसको सोचा कि भाई अब इसको कंजर्व करना है तो करना है, तो ये बगीचे के अंदर हमने एंट्री किया है। और आइए कुछ और दिखाते हैं,
और जो हम बगीचे के अंदर आए हैं तो यहाँ पे कुछ और लोग हमारे गांव के आए थे कुछ काम के मकसद से, मतलब मकसद क्या काम, वही कुछ पेड़ पौधे से जानवरों को खिलाने के लिए तोड़ना था उनको, पेड़ पौधे से जो जानवर खाते हैं क्या बोलते हैं आम का पत्ता, तो उसको तोड़ना था। तो आइए फिर और दिखाते हैं और देखते हैं वो लोग। तो गाइस यहाँ पे फाइनली आ चुके हैं और हमारे साथ का छोटू लड़का जो अभी पेड़ पे चढ़ा है, और हमारे गांव के दादाजी अभी ये बगीचे में पेड़ पौधे का सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, उसको कटवा रहे हैं। कहो दादा ऐसे काम वही, ये गांव का छोटा लड़का परवेज ऊपर आ रहा है चढ़ जो इतना कुल बकरी खा ली, इतना कहाँ खा ली पर भाई, और दूर थोड़ा और बड़ा तूर दे, असल में पेड़े वेड़े तो हम नहीं चढ़े वाला ना, असल दिक्कत ही बा, अभी तेरा शिकारी लगा था परवेज आ रहा शिकारी, जल्दी चढ़ भाई। कौन ढेला और मारे लगा था यार परवेज ढेला से मार के। तो मेरे देश के जवानों काफी एंजॉय करने के बाद अब हम चलेंगे घर को, और बगीचे तो घूम लिया, और नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो, और मैं बहुत ही जल्दी ड्रोन लेने का कोशिश कर रहा हूँ और उससे नज़ारे दिखाऊंगा तो काफ़ी मज़ा आएगा। और वो गांव के छोटे दो लोग विशाल जो मेरा भांजा और परवेज, तो मैंने सोचा बागीचे में चलते हैं कुछ दोनों लड़कों के। और विशाल पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रहा है भाई? ठीक चल रहा है। तो ये मेरा भांजा है विशाल और परवेज गांव का छोटू दोस्त, गांव में लोग मिलते रहते हैं। और उधर है मेरा बाइक, वहाँ पर शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो एक्चुअली हम लोग जब यहाँ पर एंट्री किए तो बाइक की चाबी गाड़ी में ही शायद छोड़ दिया था, क्यों विशाल? तो चलिए हम चलते हैं बाइक के पास और वहाँ पे चाबी है और वहाँ से हम चलेंगे घर पे। तो अभी काफ़ी धूप भी हो चुका है, सनलाइट बहुत तगड़ा है और अच्छा भी नहीं लग रहा है। और नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो कमाल का और फाड़ू आएगा ताकि देखने में मज़ा है। तो मेरे जिगर की छल्लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और फाइनली मैं अपने बाइक के पास आ गया हूँ और दिखा सकता हूँ, चाबी यहीं पे था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हम लोग सर इधर आ जाओ थोड़ा सा। तो अब हम लोग चलेंगे घर पे, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए क्या बोले, बाय। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट किसी कमाल की ब्लॉग वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।